नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हूं खबरें हमारी। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा, जिसमें सतना लोकसभा सीट के लिए भी सतना और मैहर जिले के मतदाता अपना मतदान कर अपने क्षेत्र का सांसद चुनेंगे। विशाल खबर ने इसके पहले आम जनता से बातचीत की थी, उन्हें कैसा सांसद चाहिए। इसके अलावा सतना जिले के वकीलों से भी बातचीत की थी, उन्हें कैसा सांसद चाहिए। और आज सतना जिले के किसानों से बातचीत की है कि वो कैसा सांसद चाहते हैं, देश की सरकार से वह कितने प्रसन्न हैं, महंगाई बेरोजगारी जैसा मुद्दा किसानों के ऊपर कितना प्रभाव डाल रहा है। इसके अलावा सतना जिले के किसान किन किन पार्टियों और किन किन प्रत्याशियों के बीच में मुकाबला मानते हैं। किसानों ने विशाल खबर से बातचीत के दौरान एक बात निकल कर साफ तौर पर सामने आई कि किसान बसपा को कहीं मुकाबले में नहीं मानते। मुकाबला सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में है। कुछ किसानों ने कहा कि कोई मुकाबला ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। बहुजन समाज पार्टी ने मुकाबले को भले त्रिकोणी बना दिया हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जीत की संभावना सतना लोकसभा में नगण्य है। विशाल खबर ने किसानों से बातचीत की तो कुछ किसानों ने कहा कि परिवर्तन चाहिए, कुछ किसानों ने कहा कि हम पूरे भाजपाई हैं, हमने आज तक भाजपा के अलावा किसी को वोट ही नहीं दिया, कुछ लोगों ने कहा कि हम मोदी के कामकाज से संतुष्ट हैं। आइए सुनते हैं सतना जिले के किसानों ने विशाल खबर के संवाददाता फिरोज खान से बातचीत के दौरान क्या कहा। लोकसभा चुनाव 2024 26 अप्रैल को सतना में मतदान होगा और यहाँ पर लोग वोट डालेंगे। हम आज सतना की आज हम गल्ला मंडी में हैं सतना के, और यहाँ पर कुछ किसान आए हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर सतना लोकसभा का किसान क्या सोचता है, उसके मन में कौन से मुद्दे हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा गुड्डा प्रसाद लोधी। गुड्डा प्रसाद जी, ये बताइए कि आप क्या 26 अप्रैल को लोकसभा का मतदान है जी, इस बार जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपके मन में क्या रहेगा, कौन से मुद्दे रहेंगे? मुद्दे हमारे कोई नहीं है, हम तो ये चाहते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। हमारे हिसाब से परिवर्तन जरूरी है। क्यों परिवर्तन होना चाहिए? क्योंकि 20 साल हमने देखा है इनको। अब सांसद गणेश सिंह चार बार के जी, दो बार के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा कांग्रेस से जी, चार बार के विधायक नारायण त्रिपाठी बीएसपी से जी, किसके बीच में मुकाबला मानते हैं? अब ये तो हम नहीं बता सकते किसके बीच में मुकाबला है किसके बीच में नहीं है, पर हमारे हिसाब से परिवर्तन होना चाहिए। इस बार वो अभी मन अभी बना रहे हैं कि इस बार उनको लगता है कि इस बार सतना लोकसभा में बदलाव होना चाहिए। हमारे साथ और भी लोग, उनसे बात करेंगे। क्या नाम भैया आपका? रवि प्रकाश चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी जी, इस बार जब आप वोट डालने जाएंगे 26 अप्रैल को जी, सतना लोकसभा का अपना सांसद चुनेंगे जी जी, दिल्ली में नई सरकार चुनेंगे आप जी जी, क्या रहेगा आपके मन में इस बार? मन में यही रहेगा कि जिस दिन से बीजेपी आई है तो किसानों को चूसती जा रही है। पहले 6000 चना हो जाता है, फिर 5200 हो जाता है, और जो यहाँ के व्यापारी हैं तो सेहत का भाव गल्ला ले रहे हैं। पहली बात तो ये यहाँ पर सुना है, और दूसरी बात ये है कि मनमानी है यहाँ की, जितने व्यापारी हैं यहाँ के सब मनमानी चल रही है इनकी। कहीं वही गल्ला 4500 का 3500 बोलते हैं। सरकार तो कहते हैं बड़े काम किए थे किसानों के। क्या बड़ा काम किया सरकार, पहले बताएं आप। कहते हैं हम क्या कहते हैं, समर्थन मूल्य दे रहे हैं। समर्थन मूल्य क्या दे रहे हैं? 6000 चना बिक रहा है, 5400 रुपये समर्थन मूल्य किए हैं। क्या क्या किए सरकार, पहले हमको बताया। 6000 चना यहाँ बिक रहा है, ठीक है, 5400 रुपये समर्थन मूल्य है, कहाँ बढ़ाया सरकार? इस बार आप सांसद चुनने जाएंगे, हाँ, सरकार चुनेंगे, इस बार आपके मन में क्या रहेगा? हमारे मन में इस बार रहेगा सत्ता परिवर्तन। अब सत्ता परिवर्तन देखिए कौन से यहाँ सतना जो तीन विधान लड़ रहे हैं, सिद्धार्थ और नारायण त्रिपाठी जी और माननीय गणेश सिंह जी, किसके बीच में मुकाबला देख रहे हैं? होगा नारायण त्रिपाठी और गणेश सिंह के बीच में रहेगा चुनाव। और आप वर्तमान सांसद रहे, काम को आप कैसे देखते हैं? कुछ भी काम नहीं हुआ। क्या काम हुआ है? आज 20 साल से सांसद हैं, कुछ भी काम नहीं हुआ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो तो कहते हैं बड़ा काम किया। क्या बड़ा काम किया हमको बताएं कोई, तब ना हम जानेंगे कि बड़ा काम किया है। आपको नजर नहीं आता हैं? अरे मंडी है, देखिए मंडी काम तो मंडी वाले खुद करवाते हैं। सांसद जी के मत से कुछ अगर काम हुआ हो तो हम माने कि यहाँ कुछ काम हुआ है। आप गवर्नमेंट की स्कीम है तो आती जाती रहेगी, जब सांसद जी कुछ काम करवाए तो हम माने कि यहाँ काम किए हैं। हैं आप बताएं। आइए हम और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर किसान है, क्या नाम दिया आपको? हमारा नाम है गोपाल दुबे जी, गोपाल जी दुबे जी, बीरसिंहपुर के हैं। बीरसिंहपुर सतना लोकसभा के मतदाता हैं। हाँ। आप किसान हैं, इस बार किसान क्या सोच रहा है लोकसभा चुनाव में जब मतदान करने जाएगा?
परिवर्तन सोच रहे हैं, हो गया परिवर्तन का है। अभी ये है कि तीन में अब किसको देखते हैं, ये अलग बात। तो कहीं मुकाबला लगता है कहीं पर? हमको तो मुकाबला अभी नहीं समझ में आता, रोज दो रोज में समझ में आने लगेगा। अभी क्या, अभी कोई गांव में आप रहते हैं बैठते हो लोग किसान? गांव में भाई कुछ लोग करते हैं कांग्रेस का, डब्बू का, कुछ लोग नारायण का, कुछ लोग गणेश सिंह का, अब किसको कह दें। आपको क्या लगता है मुकाबला किसके बीच? मुकाबला त्रिकोणी है। आइए हम यहाँ पर लोगों से बात। क्या नाम भैया? अंडा भरे किसान है आप, गांव में रहते हैं जी। तो इस बार जब आप वोट डालने जाएंगे तो क्या रहेगा आपके मन में, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? सोचिए आप वोट डालेंगे, सरकार काम आप अच्छे थे कि सरकार काम अच्छे नहीं थे, सांसद ने अच्छे काम किए नहीं किए? सांसद कुछ भी करते, हमारे गाँव को आज तक झाका नहीं हुए। क्या विषय इस बार मन रहेगा, क्या सोच रहे हैं? देखिए अब जैसा माहौल होगा गांव का ऐसा की करेंगे। आप बहुत सारे आप चुनाव देखे हैं, वोट डालने गए हैं, तो हमेशा एक मुद्दा होता है ना कि सरकार के, हमें इस सरकार को चुनना है, वोट डालना है, क्या रहता है? बीजेपी को जिताएंगे क्या? यहाँ पर और भी हैं लोग, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अरे हमारा राजेश गुप्ता नाम है। गुप्ता जी ये बताइए, इस बार जब आप लोकसभा में वोट डालने जाएंगे तो आपके मन में क्या मुद्दे रहेंगे? महंगाई मुद्दा, बेरोजगारी मुद्दा, सरकार के विकास है? हम लोग व्यापारी हैं भाई, व्यापारी के लिए कुछ नहीं हुआ यहाँ, न कुछ हो रहा है। GST में आदमी पिस रहा है, व्यापार में समर्थन मूल्य 6400 है और यहाँ बिक रहा है 5400-5500। सरकार इस तरह बढ़ाए है, अब किसान जो है वो समर्थन मूल्य में कह रही कि मंडी में भी ऑक्शन कराया जाए, तो समर्थन मूल्य में हम लेके कहाँ ले जाएँ, कहाँ बेचेंगे? इस बार आपके मन में क्या, सरकार आप वोट डालने जाएंगे? मन में का सतना में कोई विकास है नहीं हुआ, रीवा देख लीजिए बगल पड़ोसी जिला को कहाँ पहुँच गया, हम लोग रीवा के रहने वाले हैं। कोई मुकाबला नजर आता है दो विधायक? मुकाबला हो गया, तीनों में टक्कर आ है इस बार, कोई पक्का किसी का नहीं है, तीनों में टक्कर है। क्या नाम भैया आपका? दयालदास। दयालदास जी, जब आप वोट डालने जाएंगे क्या रहेगा इस बार आपके मन में, क्या सोचेंगे इस बार? परिवर्तन जरूरी है। क्यों परिवर्तन जरूरी है? 20 साल का जो साम्राज्य है गणेश सिंह जी का, कुछ भी विकास नहीं हुआ, परिवर्तन जरूरी है। सतना में कुछ भी विकास नहीं हुआ, बड़ा विकास नहीं, नहीं विकास, कुछ भी विकास नहीं। सीवर लाइन की वजह से पूरे शहर में त्राही त्राही है, आदमी परेशान है। वोट डालने जाएंगे क्या इस बार विचार आपके मन में रहेगा? हमारे मन में ये विचार है, सरकार सबसे पहले तो फ्री में बांटना छोड़ दे, लोगों को इतना सशक्त बनाए, काम दे, कोई भी सरकार है ये फ्री में ले लो, फ्री में ले लो, देने वाला तो टैक्स पेयर है ना पूरे इंडिया में, क्यों फ्री में ले लो? किसी भी व्यक्ति को आप इतना सशक्त बना दीजिए, जो कोई भी एक लेबर आदमी है उसको 400 रुपये तनख्वाह डेली की चाहिए, 400 रुपये आप उसको रोजगार दीजिए कि आप उसको 400 रुपये फ्री में दे देंगे कि जाओ घर में बैठो अय्याशी करो? कोई भी व्यक्ति है काम कब छोड़ता है? काम इसलिए कमज़ोर बनाए रही है सरकार, सरकार सिर्फ हमको काबिल बनाए, कामयाब बनाए, जिससे हम खुद अपना 1000 रुपये हमारे खर्चे तो 1000 रुपये कमा सके, 10000 है तो 10000 कमा सके, फ्री में बांटने की ज़रूरत नहीं है। और सतना क्षेत्र की बात किया जाए तो हमारे क्षेत्र में विकास कम हुआ, जो विकास होना चाहिए, ये चीज़ सांसद जी को, 7 विधानसभाएं जैसे उनकी, तो उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें सतना सबसे प्रमुख है, तो उसमें उन्होंने विकास कम हुआ है, विकास होना चाहिए। अब विकास कम क्यों हुआ कि विधायक भी कम कमल के थे और सांसद जी कौन, आपस में दोनों की पड़ती नहीं थी, इस चक्कर में विकास नहीं हुआ। इस लोकसभा में मुकाबला किससे मुकाबला बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी और कांग्रेस दोस्त से है मुकाबला। हाँ, हमारा नाम दिनेश कुमार पांडे है। पांडे जी, हमारी सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि मोदी जी का जो कार्यकाल में काम चली उनका प्रचार प्रसार बहुत बढ़िया रहा पर किसी को लाभ नहीं मिला, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो हमारा विचार तो अब इस साल ये है कि फर्स्ट क्लास का नोएडा को दें अपनी पोलिंग से, बाकी जीते हारे चाहे जहां, अपनी पोलिंग से नोएडा को जिताएं, ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, ताकि उनको भी मैसेज जाए, निर्वाचन को मैसेज जाए कि हम इतनी योजना चलाते हैं, ये योजना का व्यक्तिगत लोगों को लाभ क्यों नहीं मिल पाता। कैसा सांसद होना चाहिए आपके क्षेत्र में? सांसद ऐसा होना चाहिए कि जो
सरकार जो शासन की योजना जो चल रही हैं उन योजनाओं को निगरानी करे, उसको स्वचालित रूप से चलाए, उनको जो है उसमें भ्रष्टाचारी ना होने पाए, ऐसा हमको सांसद चाहिए। यहाँ पर और भी किसान उनसे बात करेंगे। क्या नाम भैया आपका? राज ललन से। राज ललन जी, जब आप वोट डालने जाएंगे इस बार क्या रहेगा मुद्दा आपके मन में? वही अब क्या रहेगा भैया, यही रहेगा कि सब गेहूँ कह ही रही हैं पंडित जी कहीं वह चाहिए कहीं अपना के मन में कह रही है। महंगाई मुद्दा, बेरोजगारी मुद्दा, सरकार ने काम बहुत अच्छा किया है, क्या आपके मन में है, क्या सोचकर इस बार आप मतदान करने जाएंगे? महंगाई तो झोंके के काय है, कहाँ वाली बात का। मुकाबला किसके बीच मानते हैं सपना में? गणेश सिंह, सिद्धार्थ कुशवाहा, नारायण त्रिपाठी। ये गणेश सिंह का किससे मुकाबला? गणेश सिंह, गणेश, गणेश सिंह, गणेश सिंह का मुकाबला है किसी से? डब्बू से। आइए यहाँ पर और भी किसान उनसे बात करेंगे। क्या नाम है दादा? हरिराम। हरिराम जी, हाँ, सतना में इस बार लोकसभा चुनाव, हाँ, मैं आपके वोट डालने जाएंगे, क्या सोचकर वोट डालने जाएंगे, क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दा है गरीबन का कहाँ मिला थे लाभ, तो सब बड़े बड़े आदमी लेते, जब छोट मोट गरीब वास्तविक गरीब है वही कुछ लाभ नहीं मिल रहा। जैसे घर है मोदी जी दें सब गरीबन के लाए, तो बड़े बड़े इनके देखे जा रहे द्वारा के आए तो उनके पक्का पर पक्का बने हैं, उन्हीं मिलो है, हम कुम्हार हैं तो हम आज तक एक और घर नहीं आए, किने चुने दू एक कुम्हार तो सांसद होना चाहिए आपके इस बार आप चुने। सबके सुने, गरीबन के सबके सुने, वो मेरे का आदमी की सबका, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो एक समान हो, चाहे जब वहाँ से जाऊँ आउट है वह सबका मिले। मुकाबला किसके बीच मानते हैं? मुकाबला तो ऐसा में डब्बुन भैया का है और अब क्या था, गणेश अब तो मोदी के लहर, बीजेपी कांग्रेस बहुजन किससे टक्कर है किसकी? हमारे यहाँ कोई मैटर है भाई, बहुजन का कहाँ, बहुजन हेरा आ गए डब्बू के आ गए, बहुजन नहीं है। डब्बू का मुकाबला किससे है? गणेश से। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह, रामपुर चौरासी। आप ये बताएं इस बार जब आप वोट डालने जाएंगे 26 अप्रैल को, क्या मुद्दे मन में रहेंगे आपके? हमारे मन में, हमारे मन में पहला मुद्दा है कि देश रहेगा तो हम रहेंगे, देश रहेगा तो हम रहेंगे, अब आप समझ जाइए। और कैसा सांसद चाहते हैं? सतना का इस बार कैसा सांसद? सांसद जैसा अभी तक रहा होगा वैसे सांसद चाहते हैं। मुकाबला किससे है? मुकाबला किसी से नहीं है, कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, किसके पीछे मुकाबला? ये सब कहने सुनने की बात है कि मुकाबला है, मुकाबला बचा ही नहीं है कहीं सतना में। कौन है अब ये आप बताइए कौन है? सतना में मुकाबला बचा ही नहीं है। अच्छा अब ये बताइए, क्या नाम भैया आप सुने रहे हैं? जी जी। हम एक ठो गाय रखे हैं या भैंस रखे हैं, हमको मालूम है कि दूध देती है पर लात तो नहीं मारती है, अब आगे वालों को जो पहचान नहीं रही किस नस्ल की है, कौन सी नस्ल की है, तो हम क्यों जबरदस्त में हाथ पैर परेशान होने के लिए करें बेमतलब, कहीं कुछ नहीं है। राजेश गुप्ता, हाँ, इस बार आप वोट डालने जाएंगे तो क्या विचार रहेगा, क्या सोचकर इस बार वोट डालेंगे? सोच रहे हैं कि उसी पुराने ही सांसद को जिताएं, इस बार फिर भी काम अच्छा कर रहे हैं और मोदी की सरकार अच्छी है, यही हमको लग रहा है कि उनका। तो सतना में मुकाबला किसके बीच मानते हैं? कांग्रेस, बीएसपी, कांग्रेस के और कांग्रेस भाजपा के मुकाबला बीच में होगा। किसके किसके बीच में? कांग्रेस और भाजपा के बीच में मुकाबला दोनों के बीच में रहेगा। भैया क्या नाम है आपका? छोटेलाल यादव। यादव जी ये बताएं, जब आप इस बार वोट डालने जाएंगे यस तो आपके मन में इस बार कौन से मुद्दे रहेंगे? हम जब से दिए हैं तो बीजेपी के अलावा अब नहीं बहन, अब वह मुद्दा वहाँ है, महंगाई मुद्दा, बेरोजगारी मुद्दा, महंगाई होगी, विकास के साथ महंगाई, किसान कितना खुशहाल है, क्या विचार है? विकास के साथ साथ महंगाई ज्यादा बढ़ी नहीं है, विकास हो तो बढ़ा। इसके पीछे मुकाबला देखते हैं इस बार? हम तो दोनों कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच में देख रहे हैं, लेकिन जीत बीजेपी की होगी। और भी किसान उनसे बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? अवधेश पांडे। पांडे जी, इस बार क्या है आपके मन में? क्या मोदी? मोदी क्यों? मोदी ही एक विकल्प नहीं, उसका दूसरा कोई। सतना में किसके बीच मुकाबला? सतना में मुकाबला नहीं, गणेश का कोई मुकाबला नहीं भाई, कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ता भाग गए और बीएसपी की कोई क्वालिटी है नहीं अपने सतना में, तो किससे मुकाबला करवाएंगे आप? क्या नाम है आपका? मुकेश मिश्रा। मिश्रा जी, आपके मन में क्या?
मन में तो परिवर्तन इस बार जरूरी है। क्यों जरूरी परिवर्तन? क्या है कि 20 साल हमने उनको देखा, अगले को भी चांस मिलना चाहिए ना, बस यही परिवर्तन। कैसा सांसद चाहते इस बार सपना का? सांसद के तो मान लीजिए हमको सांसद में इनका चेहरा नहीं पसंद आया, क्या कि उनका कोई ऐसा कार्यकाल नहीं समझ में आया कि जो वैसा। सरकार गलत नहीं है, बीजेपी की सरकार गलत नहीं है, केवल सतना परिवर्तन जरूरी है। तो मुकाबला किसके बीच में आप देख रहे हैं? सिद्धार्थ और उन्हीं के बीच में है। किनके बीच में? सिद्धार्थ और बीजेपी। क्या नाम है? जी ज्ञान गुप्ता सर। गुप्ता जी जी, इस बार लोकसभा चुनाव जब वोट डाले जाएंगे जी, क्या है आपके मन में इस बार? बस मोदी जी। मोदी जी जी, क्यों? बस विकास की ओर जा रहा है। सतना में किसके बीच मुकाबला? सिद्धार्थ कुशवाहा और गणेश सिंह। ये थे हमारे साथ सतना के किसान की, और किसानों का अलग अलग मत था। किसी ने कहा कि परिवर्तन होना चाहिए, किसी ने कहा सरकार ने अच्छे काम किए, किसी ने कहा सांसद जी ने बहुत अच्छे काम किए और फिर से एक बार मोदी सरकार केंद्र में बनना चाहिए, और किसी ने कहा सतना में बदलाव होना चाहिए। सतना से वीडियो जर्नलिस्ट महेश गुप्ता के साथ फिरोज खान, विशाल खबर। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।